देश में तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम को लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने कानून में औपनिवेशिक शासकों ने अपना राज कायम करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून नागरिक केंद्रित हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को हटा दिया गया है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है। नए कानूनी ढांचे में समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली में सुधार किया गया है। पागलपन, उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंदबुद्धि जैसे शब्दों को हटाते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान की गई है। आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण, पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर देता है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं।